दोस्तों अभी के लिए फिलहाल दुनिया में कितनी बड़ी जंग चल रही है वो तो आप सभी को पता ही है। रशिया और यूक्रेन का घमासान युद्ध जारी है, पर ये पूरी दुनिया जानती है कि ये लड़ाई आखिर कौन जीतेगा, तो वो है रशिया। रशिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा ताकतवर मिलिट्री फोर्स मौजूद है। वहीं अगर यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन रशिया के सामने कुछ भी नहीं है। यूक्रेन की फोर्स रशिया के सामने काफी छोटी है, लेकिन यूक्रेन की भी दाद देनी होगी। यूक्रेन जो है पूरी तरह से डट कर रशिया का सामना कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी बिल्कुल पूरी तरह सच है कि रशिया यूक्रेन को सिर्फ कुछ ही मिनट्स के अंदर पूरी तरह नष्ट कर सकता है। और ऐसा क्यों है ये भी आपको पता ही है, क्योंकि रशिया के पास दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार मौजूद है जो किसी भी देश को नष्ट करने में सक्षम है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कौन से हैं वो रशिया के 5 सबसे खतरनाक और घातक हथियार जो कि यूक्रेन को कुछ ही मिनट्स में पूरा खत्म कर सकते हैं। नंबर 1, T-14 अर्माटा। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं रशिया के और पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक टैंक से, जिसका नाम है T-14 अर्माटा मेन बैटल टैंक। इंटरनेट पर भी अगर आप वर्ल्ड्स डेंजरस टैंक सर्च करोगे तो ये T-14 अर्माटा टैंक ही आपको नजर आएगा। ये टैंक 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल सकता है और इसका वेट 55,000 केजी का है। इस टैंक में 125 mm का कैनन लगाया गया है जो कि 12 राउंड्स पर मिनट फायर करता है, और इसमें 12.7 mm और 7.62 mm की दो मशीन गन भी लगी हुई हैं। इतना ही नहीं, इसमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया है जो कि 5 किलोमीटर की रेंज तक मौजूद सभी हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट्स को मार गिराता है। और इसमें लेजर गाइडेड मिसाइल भी मौजूद है जो 7 से 15 किलोमीटर की रेंज तक काफ़ी घातक साबित होती है। इस टैंक को 3 क्रू मेंबर्स कंट्रोल करते हैं, और अभी रशिया ने इस टैंक की सिर्फ 20 यूनिट्स ही बनाई हैं। इस एक T-14 अर्माटा टैंक की कीमत 28 करोड़ है। नंबर 2, स्कैंडर 9K720। तो अब सेकंड नंबर पर है रशिया की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम है स्कैंडर 9K720। इस मिसाइल को रशिया ने 2006 से इस्तेमाल करना शुरू किया था, जो आज तक भी काफ़ी घातक साबित होती है। इस मिसाइल की लंबाई 24 फीट्स और चौड़ाई 3 फीट्स की है, और इसका वेट 3,800 kg का है। इस मिसाइल की रेंज मिनिमम 50 किलोमीटर्स की है और मैक्सिमम 500 किलोमीटर्स की। इस मिसाइल की स्पीड 7,200 किलोमीटर्स पर आर की है, और इसमें 480 से 700 केजी थर्मोन्यूक्लियर वेपन और हाई एक्सप्लोजिव होता है, जो इस मिसाइल को बेहद खतरनाक बनाता है। और ये मिसाइल रडार सिस्टम में भी काफ़ी मुश्किल से डिटेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये सीक्रेटली टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। नंबर 3, बुलावा सबमरीन। तो अब मिलिए रशिया के एक और घातक हथियार से जो कि समुद्र में तैनात होती है। इसका नाम RSM-56 बुलावा सबमरीन है, और ये एक बेहद ही खतरनाक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जो कि हिरोशिमा बॉम्ब से 50-60 टाइम्स मोर पावरफुल है। तो अब आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो इस सबमरीन मिसाइल की ताकत का। ये मिसाइल किसी भी चीज़ को पूरी तरह से तहस नहस कर सकती है। इस मिसाइल का वेट 36,800 kg का है, और ये 38 फीट लंबी और 6 फीट 7 इंचज चौड़ी है। इस मिसाइल की रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 8,000 किलोमीटर से लेकर 15,000 किलोमीटर्स की है। इस मिसाइल में 6 लाख से 15 लाख केजी का एक्सप्लोजिव मौजूद है जो किसी भी देश को ख़त्म कर सकता है। नंबर 4, SU-57। तो अब नंबर 4 पर है रशिया का एयर कॉम्बैक्ट फाइटर जेट, जिसका नाम है SU-57। इसको रशिया ने स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर नाम दिया है। इस फाइटर प्लेन की सबसे पहली उड़ान 29 जनवरी 2010 में करी गई थी, और अभी तक ऐसे सिर्फ 14 फाइटर जेट ही बनाए गए हैं। ये रशिया का सबसे घातक फाइटर जेट है जो 4 टाइप्स की मिसाइल एक टाइम पर कैरी कर सकता है। इसमें 2 शॉर्ट रेंज मिसाइल होती है जो एयर टू एयर कॉम्बैक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। K-77M जो कि इस फाइटर जेट प्लेन में लगाई गई मीडियम रेंज मिसाइल है, और इसमें KH-38 नाम की मिसाइल भी इस्तेमाल करी जाती है जो कि ग्राउंड टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए है। अब बात करें इस प्लेन की स्पीड की, तो ये 2130 किलोमीटर पर आर की स्पीड से उड़ता है,
और इस एक SU-58 फाइटर प्लेन की कीमत $100 मिलियन यानी कि 756 करोड़ है। नंबर 5 S-400। तो अब इस लिस्ट में नंबर 5 पर S-400 मिसाइल सिस्टम है। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो रशिया ने 28 अप्रैल 2007 में सर्विस में लाया था। ये सरफेस टू एयर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। ये सिर्फ एयरक्राफ्ट वगैरह ही नहीं बल्कि दुश्मनों की तरफ से आने वाली क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद और ख़तरनाक हथियार है जो कि रशिया के लिए एक काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट है। इस मिसाइल की स्पीड 17,280 किलोमीटर पर आर की है और इस मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर की है और इस एक S-400 की कीमत $300 मिलियन की है यानी कि लगभग 2,300 करोड़। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और इन्फो अनलॉक्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए।